In this video, we shall learn some more prepositions. The prepositions are according to, ahead of, and throughout. According to, के हिसाब से, के मुताबिक. According to my watch, it is 10 o'clock. मेरे घड़ी के हिसाब से 10 बज रहे हैं. According to the map, we are at the right place. नक्शे के हिसाब से हम सही जगह पे हैं. The station is down here according to the sign. साइन के मुताबिक स्टेशन यही नीचे है. It will be rainy day tomorrow according to the weatherman. मौसम विभाग के अनुसार कल बरसात होगी. It is 18 degree outside according to the thermometer. थर्मामीटर के हिसाब से बाहर 18 डिग्री है. According to the compass, we are heading north. कंपास के मुताबिक हम उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं. Ahead of, से आगे, से पहले. The car ahead of us is Mercedes. हमारे से पहले जो कार है वो मर्सिडीज है. इट इज अ गुड आइडिया टू गेट योर वर्क फिनिश्ड एहेड ऑफ टाइम. समय से पहले काम खत्म कर देना अच्छी बात है. द होम टीम इज अहेड ऑफ विजिटिंग टीम बाय 2 पॉइंट्स. घरेलू टीम विजिटिंग टीम से 2 पॉइंट आगे है. सुनील वॉन्ट्स टू स्टे अहेड ऑफ अदर स्टूडेंट्स. सुनील दूसरे बच्चों से आगे रहना चाहता है. थ्रूआउट, उस दौरान या उस पूरे समय. शी हैड मैनी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट हर लाइफ. जीवन के दौरान उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं. ही विल फेस मैनी चैलेंजेस थ्रू आउट हिज लाइफ. वो अपने पूरे जीवन के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेगा. ही वॉज ऑन हिज सेल फोन थ्रू आउट द डे. वो पूरे दिन भर अपने फोन पर चिपका हुआ था. द इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड. इंटरनेट पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ता है. देयर आर माइस थ्रू आउट द हाउस. पूरे घर के अंदर चूहे हैं. फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब फॉर इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट. वेट फॉर एवरी सैटरडे फॉर माई न्यू वीडियोज. फॉर मोर डिटेल्स visit my YouTube channel Ekta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.